हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को रिलेशनशिप में आने के लिए कन्वेंस कैसे करें, कैसे मनाएं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो आज की वीडियो सिर्फ देखते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ जाए। ठीक है, ये कोई काम नहीं है कि आपने बोल दिया और वो सामने वाली लड़की ने कर दिया। कन्वेंस करना मतलब कि उसके दिल में फीलिंग्स लाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, बट अगर आप सही चीजों का, सही बातों का ध्यान रखोगे तो आपके लिए किसी भी लड़की को कन्वेंस करना यानी कि मनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इमोशनल अटैचमेंट बनानी है, क्योंकि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दोस्ती का हो, रिलेशनशिप का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, एज पार्टनर का हो, ठीक है, उसमें इमोशंस जरूर होने चाहिए। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना तो वो रिश्ता बेकार है। तो अगर आप चाहते हो कि लड़की कन्वेंस हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसके और आपके बीच में इमोशनल अटैचमेंट हो। ठीक है, वो बॉन्डिंग बने कि उसको आपका साथ अच्छा लगे, उसके लिए, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आए। और इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है छोटे छोटे एफर्ट लगाना। ठीक है, इमोशनल बातें करना, क्योंकि एक इमोशनल, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो आपके बड़े बड़े कामों से नहीं खुश होते हैं। ठीक है, आपसे अटैच नहीं होते हैं। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो आपके छोटे छोटे एफर्ट से ही आपको समझते हैं, आपसे, आपके करीब आने आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को, इमोशंस से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं, जैसे कि आपको उसका बर्थडे पता है तो बर्थडे विश कर दिया, बेशक आप गिफ्ट दो या ना दो, लेकिन उसे थोड़ा सा स्पेशल फील करा दिया कि हाँ बर्थडे विश कर दिया, या फिर उसकी लाइफ का कोई खास है ना, उस पर आपने विश कर दिया, अच्छी लग रही है तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, इनसे लड़कियां बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरा काम है कि आप गिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट ऑलरेडी है, ठीक है, तो जल्दी कन्वेंस करने के लिए आप गिफ्ट का सहारा ले सकते हो। ऑलरेडी गिफ्ट लड़कियों को पसंद भी आते हैं, बट यहाँ पे गिफ्ट कैसा हो ये चीज आपको अच्छे से चूज करनी है। मतलब ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जिसे जब भी वो बार बार देखे, ठीक है, जब भी वो पहने या जब भी वो टच करे तो उसे आपकी याद जरूर आए। ठीक है, इसके लिए आप कोई ऐसा गिफ्ट दे सकते हो जिसे वो हमेशा अपने करीब रखती हो। फोन कवर हो गया, पर्स हो गया, ठीक है, वॉच हो सकती है, रिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा गिफ्ट जो थोड़ा सा उसको अपनेपन की फीलिंग लाए, जिसको पहनकर वो उसे बार बार आपकी याद आए, तो इससे भी वो आपसे इमोशनली अटैच होने लगेगी। ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगला काम आपको ये करना है कि लड़की के साथ में आपको थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा केयरिंग नेचर दिखाना है, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को रोमांटिक लड़के अच्छे लगते हैं। मोस्टली लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें इमरान हाशमी जैसे पार्टनर पसंद होते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं है। उनको चाहिए कि हाँ पार्टनर थोड़ा सा रोमांटिक नेचर का हो, थोड़ा सा केयरिंग हो, जो प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो अगर ये चीजें आप लड़की को दिखाते हो, अपने कामों में दिखा सकते हो, जैसे कि आप उसे फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर सकते हो, तो आपकी जो बातें हैं, आपका जो नेचर है, काफी हद तक लड़की को आपके करीब आने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट काम है कि खुश रहें। ऑलवेज अगर आप खुश रहेंगे तो लड़की आपको बहुत जल्दी पसंद करेगी, क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हर जगह हाईलाइट होते हैं और हर कोई उनसे बात करना, जुड़ना पसंद करता है। तो ये कुछ ऐसे काम करके आप आसानी से लड़की को अपने मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कन्वेंस कर सकते हो, यानी कि मना सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।